हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदर्श हाई अकेडमी। आप लोगों के लिए अनअकैडमी एमबीबीएस एडमिशन की तरफ से नया अनाउंसमेंट है। अगर आप 2 ईयर सब्सक्रिप्शन लेंगे आपको 4 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलेगा। अगर आप 1 ईयर सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 3 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलेगा। आपके इसमें से कुछ बैचेस अभी स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, और कुछ अभी स्टार्ट होने वाले हैं। जैसे आपका एमपीजीके ब्रह्मास्त्र हो गया, फिर आपका अनअकैडमी डेली T20 फ्री टेस्ट सीरीज है। नेक्स्ट आपका गुरु मार्गदर्शन डेली फ्री मॉक टेस्ट सीरीज, इसके बाद आपका एमबीबीएस के प्रीलिम्स 2021 सी सेट प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज है। नेक्स्ट है 8 मंथ फाउंडेशन बैच फॉर एमबीबीएस के प्रीलिम्स एंड मेंस विद इंटर राइटिंग सीरीज हिंदी मीडियम में मिलेगा आपका। नेक्स्ट है 8 मंथ फाउंडेशन बैच फॉर एमबीबीएस के प्रीलिम्स एंड मेंस विद इंटर राइटिंग सीरीज इंग्लिश मीडियम में मिलेगा। फिर है एमबीबीएस के फॉरेस्ट सर्विस मेंस बैच 2021 है, ठीक है। टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 सी आपकी, इसमें से जीएस की पूर्ण तैयारी होगी। 45 डेज का क्रैश कोर्स है, ठीक है। इसमें से आपकी ये सारे जो बैचेस हैं ये अगस्त में स्टार्ट हो चुके हैं और ये सितंबर में स्टार्ट हुए हैं, और अक्टूबर में से ये सारे बैचेस आपके अभी स्टार्ट हो चुके हैं और ये आपके 2 बैचेस जो है स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। ये सब्सक्रिप्शन अगर आपको परचेस करना है इसके लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा, पीजी लाइव रेफरल कोड है, जिसमें से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे कम भौगोलिक क्षेत्र का जिला कौन सा है? ऑप्शन है दतिया, जबलपुर, मुरैना, इंदौर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? दतिया। नेक्स्ट है, नर्मदापुरम संभाग का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है इंदौर, ग्वालियर, होशंगाबाद, जबलपुर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? होशंगाबाद, क्योंकि होशंगाबाद जो पहले संभाग था उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम कर दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है? ऑप्शन है कटनी, वर्धा, इटारसी, सीहोर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इटारसी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 अक्टूबर, 1 सितंबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर। आप सभी लोगों को पता होगा कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 नवंबर। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? ऑप्शन है इंदौर, अजयगढ़, भोपाल, दतिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इंदौर। इंदौर शहर जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल का संभाग है? ऑप्शन जबलपुर, इंदौर, दतिया, अजयगढ़। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जबलपुर। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? ऑप्शन है छिंदवाड़ा और दतिया, दमोह और बड़वानी, रतलाम और विदिशा, हरदा और धार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? छिंदवाड़ा और दतिया। नेक्स्ट है, 3 क्षेत्रों मध्य प्रदेश के रूप में विलय कर दिया गया था, वे क्षेत्र हैं। इसमें से आपको बताना है कौन कौन से क्षेत्र जो कि विलय कर दिया गया है मध्य प्रदेश से। तो ऑप्शन है मध्य प्रांत, बरार और मध्य भारत, कैमूर, सतपुड़ा और बिंद पठार, मालवा, सतपुड़ा और बिंद पठार, मध्य भारत, बिंद प्रदेश और भोपाल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य भारत, बिंद प्रदेश और भोपाल, ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं अब जिन्हें मध्य प्रदेश के रूप में विलय कर दिया गया है, मतलब विलय कर दिया गया था। नेक्स्ट है, डबरा किस जिले में है? ऑप्शन है ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्वालियर। नेक्स्ट है, देवास जिला किस संभाग का भाग है? ऑप्शन है उज्जैन, इंदौर, भोपाल, नर्मदापुर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उज्जैन।